तो दोस्तों गुड न्यूज आ गया यार भाई नए चैनल वालों के लिए, जिनके चैनल को लगता था यार 4000 घंटे का वॉच टाइम मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, यूट्यूब ने सिर्फ 2000 घंटे का वॉच टाइम कर दिया लास्ट 12 मंथ में। ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, और इसके बाद हैव मोर देन 2000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर इन लास्ट 12 मंथ, और इसके बाद यहां पर हाउ टू अप्लाई, और ये जो है 2023 को मिल जाएगा और किन किन चैनल को मिलेगा, यानी कि कुछ चैनल ऐसे कैटेगरी वाले हैं जिनको 4000 घंटे ही कंप्लीट करने पड़ेंगे और कुछ कैटेगरी वाले ऐसे चैनल हैं जिनको सिर्फ 2000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको यहां पर अच्छे से डिटेल में बताता हूं। यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ऐसे अपडेट और यूट्यूब टिप्स रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको पता है ना कि यूट्यूब चैनल जो है 4000 घंटे पर मोनेटाइज होता है, यानी कि अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, तब जाकर के आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। लेकिन यहां पर देखिए आज सुबह सुबह यूट्यूब का अपडेट आया हुआ है, यहां पर देखिए हाउ टू अप्लाई, और ये क्या लिखा है, सेलेक्ट फीचर्स इन अर्लियर 2023, यानी कि ये अपडेट 2023 में आपको मिलेगा। लेकिन ये देखना जरूरी है कि किन किन कैटेगरी वाले चैनल को 2023 में सिर्फ 2000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा और किन किन चैनल को ऐसे हैं जिनको 4000 घंटे का वॉच टाइम ही रहेगा। तो अभी यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पर क्या लिखा है, YouTube चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, 2000 घंटे का वॉच टाइम सिर्फ 12 महीने में। यार देख के बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है। तो चलिए यहां पर अप्लाई हियर पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहां पर क्या लिखा है, देखिए हाउ वी हेल्प पीपल फाइंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, वी हाईलाइट कंटेंट, यहां पर मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो इसकी रिकॉर्डिंग आपके बगल में चल रहा है। तो यहां पर कुछ कैटेगरी वाले ऐसे चैनल हैं जिनके चैनल पर सिर्फ 2000 घंटे का वॉच टाइम यहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहां पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर इंग्लिश में लिखा गया है, यहां पर लिखा है हाउ पीपल फाइंड इमोशनल सपोर्ट ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो कुछ यहां पर चीजें हैं जिसको मैंने यहां पर पढ़ा हुआ है, वो चीजें मैं आपको यहां पर मैं बता दे रहा हूं। अभी जैसे मान लीजिए आप YouTube पर वीडियो देखते हो, दोस्तों YouTube पर वीडियो देखते हो, कुछ ऐसे वीडियो देखते हो जिसमें एकदम से नॉलेज ऐसा होता है कि वो नॉलेज आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने मान लीजिए मैं सर्च कर रहा हूं, मेरी मान लीजिए अंगुली कट गई, या मान लीजिए यहां पर मेरे गले में चोट लगा हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे सर्च करूंगा गले के चोट को कैसे ठीक करें, तो मैं जब यूट्यूब पे सर्च करूंगा तो मेरे सामने बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। अब उस वीडियो में बहुत सारे जब वीडियो आ जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो बहुत सारे तरीके भी बताए रहते हैं कि ये लगाओ, फलाना लगाओ, ढिमकाना लगाओ, सब कुछ सही हो जाएगा, आप उस तरह से ट्राई करते हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने कुछ ऐसी चीजें लगा ली जो मेरे चोट के ये अच्छा ना होकर के वो खराब हो गया। अब मुझे लगाना था कोई अच्छी दवाई, लेकिन मैंने कुछ वीडियो देख करके यहां पर ऐसी चीजें लगाई जिसकी वजह से मेरा ये चोट ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया। तो अब तो ये तो मिस इंफॉर्मेशन हो गया ना भाई, हो सकता है कि उस वीडियो में मिस इंफॉर्मेशन दिया गया हो, और YouTube पर ऐसे करोड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें मिस इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा दिया गया है। तो YouTube ने उनके लिए यहां पर अनाउंसमेंट किया हुआ है कि अब से अगर मान लीजिए आप मिस इंफॉर्मेशन अपने वीडियो के नीचे देते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन-कौन सी कैटेगरी वाले होंगे, अगर आप अपने वीडियो के नीचे मिस इंफॉर्मेशन देते हो, YouTube ने यहां पर एक और अपडेट यहां पर डायरेक्ट कर दिया है कि आप अपने वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दिए रहोगे, जो भी व्यूअर्स आपकी वीडियो को देख रहा होगा, वो डायरेक्ट आपसे कॉल कर सकेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉल का बटन का ऑप्शन दिया रहेगा, डायरेक्ट कॉल पर क्लिक करेगा और आपके पास में कॉल जाएगा, और जो भी यूट्यूबर है, जो भी यूट्यूबर उस वीडियो को बनाया रहेगा, वो डायरेक्ट ही बात कर पाएगा अपने व्यूअर से। तो भाई ये बहुत ही बेस्ट चीज है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज देखते हो जिसमें आपका नॉलेज आपके लाइफ से रिलेट करता है, जिंदगी में आपका निर्भर करता है कि उस वीडियो को देख करके कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आपकी लाइफ सुधर सकती है या खराब भी हो सकती है, तो वहां पर डायरेक्ट आप पूछ सकते हो कि भाई आपने जो वीडियो में बताया हुआ है ये सिर्फ व्यूज पाने के लिए बताया हुआ है या ये सही भी है, तो यहां पर आप कंफर्म कर सकते हो। अब ये जो कैटेगरी है दोस्तों, यहां पर आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए 2000 सब्सक्राइबर 2000 घंटे का वॉच टाइम किन के लिए है, ये तो ना ब्लॉग चैनल के लिए, ये तो ना टेक चैनल के लिए, ये किसी भी कैटेगरी वाले चैनल के लिए नहीं है, ये ऐसे कैटेगरी चैनल वालों के लिए है जो मेडिकल से रिलेटेड यहां पर वीडियो बनाते हो। अब यहां पर ये नहीं है कि सिर्फ आप डॉक्टर ही रहोगे, यहां पर ध्यान से सुन लीजिए, अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर ही रहोगे, जैसे मान लीजिए आप कुछ मान लीजिए मेडिकल से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हो, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, तो वहां पर ये कैटेगरी आपको लागू होगा, आपके चैनल पर सिर्फ 2000 घंटे का वॉच टाइम, यानी कि अगर आप डॉक्टर होगे या मतलब केमिस्ट आपका होगा, अब मतलब जिस मेडिकल से रिलेटेड यानी कि डॉक्टरी से रिलेटेड अगर आपका चैनल रहेगा
तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको 2000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होगा। और YouTube यहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा लिंक देगा, यानी कि आपको YouTube चैनल पर कुछ लिंक देगा जिसमें आपको अपने चैनल का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आपने जिस जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर की मेरी डिग्री मुझे वहां पर अपलोड करनी पड़ेगी। मैं केमिस्ट हूं तो मुझे केमिस्ट की डिग्री वहां पर मुझे अपलोड करनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरा मेडिकल है, मुझे मेडिकल की डिग्री वहां पर मुझे अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मेडिकल पे जाते हो, मेडिकल वाला आपको दवाई देता है, तो आप कभी उसकी डिग्री नहीं पूछते हो कि यार भाई आपका डिग्री है कि नहीं है। ठीक है, आप बस देखते हो कि यार बड़ा सा मेडिकल का दुकान खुला हुआ है, इसके पास अच्छी दवाई मिलेगी, दवाई लेकर के चले आते हो, खाते हो, पीते हो, आराम होता है तो ठीक है, नहीं आराम होता है तो डॉक्टर के पास में जाते हो। लेकिन YouTube यहां पर ऐसा नहीं करेगा, अगर वो जानकारी मेडिकल वाली दे रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लो मैंने कोई दवाई लिया, उसका YouTube पे सर्च करने लगा, तो वहां पर देख रहा हूं सही बता रहे कि नहीं सही बता रहे, तो वहां पर उनको उस चीज को सही करने के लिए अपनी डिग्री वहां पर डालना पड़ेगा, तब YouTube उन चैनल को वेरीफाई करेगा। ठीक है, और उनकी जो वीडियो है वो सर्च में टॉप में आएंगी, टॉप रैंक में आएंगी, उनका सब्सक्राइबर जो भी है वो ज्यादा हाईलाइट रहेगा। और ऐसे चैनल्स पे सिर्फ 2000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा, 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि इस जानकारी से आप काफी संतुष्ट हुए होंगे। उम्मीद करता हूं कि और भी सारे ऐसे चैनल हैं जिनको 4000 घंटे का वॉच टाइम घटा करके आप 2000 घंटे का वॉच टाइम कर देना चाहिए। क्या आप इस राय से संतुष्ट हैं? मैं चाहता हूं कि हर किसी के चैनल पर 2000 घंटे का वॉच टाइम, 4000 घंटे का, 2000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर हो, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनको 4000 घंटे का वॉच टाइम वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उनके चैनल पर भी 4000 घंटे का वॉच टाइम घटा करके 2000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। YouTube को इस तरह से अपडेट देना चाहिए। ठीक है, अगर आप सहमत हो तो हाँ करो, नहीं सहमत हो तो नो करो। ठीक है, आपका यहां पर मैं कॉमेंट देखना चाहता हूं। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। आज की वीडियो में इतना ही, दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।